अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई द्वारा प्रदेश भर में विभिन्न मांगों को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है, जिसके तहत हमीरपुर के गांधी चौक पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई द्वारा हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के अलावा कई लोगों ने इस अभियान में भाग लिया। एबीवीपी ने सरकार से केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने बारे, एचपीटीओ में शिक्षकों की भर्तियां शीघ्र ही की जाएं, निजी विश्वविद्यालय में छात्रों को लूटना बंद हो, एससीए चुनाव बहाल किए जाएं और एससी एसटी छात्रवृत्ति को बहाल किए जाए आदि मांगे पूरी करने की मांग उठाई है। इस अवसर पर काफी संख्या में छात्र वर्ग और स्थानीय लोगों ने विद्यार्थी परिषद की मांगों को जायज ठहराते हुए हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इकाई अध्यक्ष अवनीश शुक्ला ने बताया कि पूरे प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सरकार से विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार द्वारा इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो 16 अक्टूबर को जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया है, जिसके निहित हमारी कुछ सरकार से डिमांड्स हैं, जैसे कि हमारा तकनीकी विश्वविद्यालय को चले हुए लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं और 2 वर्ष से जो कक्षाएं यहां पे चल रही हैं, परंतु एक भी रेगुलर यहां पे टीचर नहीं है। तो हमारी सरकार से डिमांड है कि जल्द से जल्द यहां पे विद्यार्थियों को रेगुलर टीचर दिए जाए, तथा हमारा जैसे ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसको चले हुए भी 10-11 वर्ष हो चुके हैं, इनके पास अपना कैंपस नहीं है। तो सरकार से हमारी डिमांड है कि जल्द से जल्द सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस का निर्माण किया जाए, तथा जो हमारा एक लोकतांत्रिक अधिकार है चुनाव छात्रों के लिए, वो जो कि बहुत ही ज़रूरी है, उनको बहाल किया जाए। एससी एसटी छात्रवृत्ति को सरकार के द्वारा 2-3 सालों से रोक दिया गया है, उसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए।